मैडम, हाउ वाज द मूवी? अमेजिंग अमेजिंग। स्टोरी वगैरह कितनी अच्छी है? कितनी? बहुत बहुत ही अच्छी है। हमारे मैंगलोर के पूरा तुलु के ऊपर मूवी है, देवा के ऊपर मूवी है, एंड इट इज वेरी अमेजिंग। क्या बात है, ऋषभ शेट्टी के काम के बारे में बोलो। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, तो पूरा फील ला दिया था मैंगलोर का। इट वॉज अमेजिंग। आई विल श्योरली टेल देम टू कम एंड वॉच दिस मूवी फॉर द 5+। बकवास, इट्स जस्ट टू लाउड एंड टू अनरियलिस्टिक एंड यू नो वेरी सुपरफ्लूअस। दे आर ट्राइंग टू शो द कल्चर बट दे कुड हैव शोन इन अ बेटर मैनर। बहुत बहुत ज़्यादा, और मूवी एंड में कल्चर पे आई, स्टार्टिंग में आई, बट बीच में खाली उसका फाइट्स और उसका स्टोरी जो आगे जा ही नहीं रहा था, तो इट वॉज क्वाइट, मतलब बीच में बहुत बोर हो गया था। अगेन द साउथ मूवीज आर ऑल टू लाउड, टू वायलेंट, एंड वन गाय कैन किल 100 पीपल, और ऐसा ही था, बस वही कुछ था, तो ऐसा कुछ इतना खास आपको वाव टाइप ऐसा कुछ लगा नहीं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। चलो ठीक है, जाते थे 5 में से कितने स्टार देने? अगर देना ही पड़े तो 1 दूंगा, 1 से ज़्यादा नहीं दूंगा। मतलब ऐसा स्टोरी वगैरह कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगा? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट, नो प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच। कैसी लगी मूवी? ऑसम, एक नंबर। स्टोरी वगैरह कितनी इंटरेस्टिंग है? वेरी नाइस, ग्रिपिंग है, वन टाइम वॉचर। ऋषभ शेट्टी के बारे में क्या कहना रहेगा आपको? मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ उसको, लेकिन बहुत अच्छी एक्टिंग की। चलना चाहिए साउथ में, चलिए यहाँ भी चलना चाहिए, वन टाइम तो कोई भी देखेगा ही देखेगा। 5 में से कितने स्टार देंगे? 4.5। थैंक यू सर। कैसी लगी? अच्छी अच्छी थी। स्टोरी वगैरह कितनी अच्छी है? नहीं अरे बेस्ट ही अच्छी है। हाँ, ऋषभ शेट्टी के बारे में क्या कहना चाहिए? अच्छा अच्छा की है ने, जो मतलब कल्चर के बारे में बताया वो आपको कितना पसंद? नहीं अच्छा है, आफ्टर ऑल नहीं नहीं अपना अपने इंडिया के कल्चर ही बेस्ट है, जो भी है एक नया देखने मिलता है कुछ चीज़। हाउ यू कैन अपील टू ऑडियंस टू वॉच दिस पर्टिकुलर? आई मस्ट सजेस्ट वॉच, ये ने ऑब्वियसली देखना चाहिए, अच्छी है। 5 में से कितने स्टार देंगे? 5 स्टार्स। कैसी लगी मूवी? स्टोरी कितनी अच्छी है? बहुत बढ़िया है। ऋषभ शेट्टी का काम हो गया। अच्छा अच्छा है, बहुत अच्छा। चलेगी पिक्चर? चलेगी, ज्यादा चलेगी। 5 में से कितने स्टार देंगे? 4। वेरी गुड है। स्टोरी वगैरह कितनी इंटरेस्टिंग? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, लोगों को पसंद आएगी। अरे बहुत अलग ही, अलग किस्म की मूवी है। मतलब नॉर्मल जो हिंदी में बनता है, और ऋषभ शेट्टी ने ऐसा काम किया है कि मतलब बोल नहीं सकते कन्नड़ मूवी। बहुत ही लाजवाब है। एवरीथिंग वेरी नाइस। आपके लिए नया था ये? अरे बहुत ही नया था, मतलब मैं इतनी सारी मूवियाँ देखा जिंदगी में, लेकिन ऐसी मूवी मैंने पहली बार देखी। क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त। लोगों को कैसे कहोगे, दर्शकों को क्या बोलोगे? अरे एक नंबर मूवी है, जो भी देखेगा उसको ऐसा लगेगा कि क्या मूवी देखा। क्या बात है, 5 में से कितने स्टार? 5 में से स्टार? अरे 10 में से 10 स्टार। ओहो थैंक यू, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। स्टोरी वगैरह कितनी अच्छी? एक्सीलेंट, एवरीथिंग इज सुपर्ब। कैसी लगी आपको पिक्चर? अच्छी थी। कैसी लगी मूवी? अच्छी है मूवी। स्टोरी वगैरह कितनी इंटरेस्टिंग है? स्टोरी वगैरह अच्छा है, पर वो हीरो जो ऋषभ शेट्टी, उनका एक्टिंग बहुत अच्छा है। क्या बात है, जो ट्रेडिशन कल्चर को, हाँ कल्चर के बारे में बताया, वो आपको कितना? मैं वही बोल रहा हूँ, अभी साउथ का मैंने बहुत मूवी देखा है, पर ऐसा साउथ का कल्चर मैंने ना बॉलीवुड में, ना साउथ में, ना कहीं नहीं देखा। सच में ऐसा ऐसा लग रहा है मैं वो साउथ में जाके घूम के आया, उनका कल्चर वगैरह देख के। हाँ, इज देयर एनी पर्टिकुलर सीन जो आपको पूरा अच्छा लगा हो, ऐसा कुछ है? वही उनका जो पूजा पाठ का, जो उन लोग देवी देवता की पूजा करे, तो और मुझे तो सबसे अच्छा जो ऋषभ शेट्टी, उनकी एक्टिंग। नहीं सच में ऐसा एक्टिंग तो साउथ के हीरो यश भी नहीं, मतलब ये एक्टिंग डिफरेंट नेक्स्ट लेवल का एक्टिंग था। क्या बात है, चलो ठीक है। लोगों को कैसे अप्रोच करोगे आप ये पिक्चर देखने? नहीं एक बार तो ये मूवी देखना चाहिए, जो मुंबई में रहते उनको साउथ का कुछ पता नहीं है, उनका पूरा कल्चर पता चल गया साउथ का। मुझे 4 स्टार, 5 की नहीं दे रहा हूँ, कुछ कुछ कमियाँ थी, पर फिर भी 4 स्टार कम नहीं है, अच्छी मूवी है। हाँ थैंक यू वेरी मच।